बस इस नुस्खे का अपने बालों पे इस्तेमाल कर ले, बाल इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। सिर्फ इस नुस्खे का अपने बालों पे इस्तेमाल कर ले, आपके बाल कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा टीवी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही तेजी से अपने बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैंने बालों के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं और बहुत ही ज्यादा कारगर हैं, और अगर आप उस सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग उसमें आपको बाद में बताया होगा, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी। और ये भी वीडियो आपके बाल के लिए ही है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेकर अपने बालों की लंबाई को बढ़ा पाए। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली आज के इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बाजू के बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारी ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पा पाएं। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली आपको इस वीडियो को ले चलते हैं और बताते हैं कि आपको यहाँ कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों यहाँ जो हम सबसे पहली चीज इस्तेमाल करेंगे वो होगा दोस्तों ऑलिव ऑयल। दोस्तों ऑलिव ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है और हमारे बालों को लंबा करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसका कितना इस्तेमाल करेंगे ये बताते हैं। दोस्तों आपके बालों के हिसाब से आप एक दो चम्मच या फिर उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर समथिंग दो चम्मच के लगभग ले रहा हूँ, तो आप चाहे यहाँ दो तीन या चार पांच चम्मच भी ले सकते हैं आपके बालों के हिसाब से। दोस्तों मैं यहाँ पर दो चम्मच ले लिया। अब जो हम दूसरी चीज का इस्तेमाल करेंगे वो होगा दोस्तों एलोवेरा जेल। दोस्तों एलोवेरा जेल हमारे बालों को सिल्की बनाता है, हमारे बालों को शाइनी बनाता है और हमारे बालों में जो भी परेशानी होती है उसे दूर कर हमारे बालों को बहुत ही तेजी से स्वस्थ बनाता है। तो आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना होगा ये बताते हैं। दोस्तों ये आपको एक चम्मच यहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए मैं यहाँ पर एक चम्मच ये एलोवेरा जेल ले लिया। अब यहाँ जो हम अंतिम चीज का इस्तेमाल करेंगे वो होगा दोस्तों कपूर। दोस्तों कपूर जो हम अपने पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही कपूर आप यहाँ इस्तेमाल करोगे, ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके बालों को बहुत ही तेजी से लंबा करेगा और आपके बालों में जो भी परेशानी होगी उसे दूर कर आपके बालों की लंबाई को बढ़ाएगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों ये चार से पांच आपको यहाँ कपूर लेने हैं। मैं यहाँ पर चार कपूर ले लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर चार कपूर ले लिए हैं। दोस्तों आपको इन कपूर को लेकर अच्छी तरीके से इस नुस्खे में डाल देना है, फोड़ कर देखिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों बालों को लंबा करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और आपके बालों को बहुत ही तेजी से लंबा करेगा और आपके बालों में जो भी परेशानी होगी उसे दूर करेगा। तो आप इन सभी चीजों को डालने के बाद आपको इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा जिसको आप अपने बालों पे अच्छी तरीके से लगा पाएंगे और आपके बाल इससे बहुत ही तेजी से लंबे होंगे। तो देखिए दोस्तों मैं इस नुस्खे को अच्छी तरीके से मिला लेता हूं पहले। देखिए दोस्तों मैंने इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब दोस्तों आप इस नुस्खे का कैसे इस्तेमाल करोगे ये बताते हैं। दोस्तों ये जो नुस्खा होगा इसको आप जब नहाने के बाद आते हैं तो अपने बालों पे इसे लगा लीजिए। आपको दोस्तों क्या झिल्ली या फिर जो हम हाथ में पहनते हैं उस झिल्ली का इस्तेमाल करना है और अपने बालों पे इसे अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। आपको अपने पूरे जड़ पे लगाना है जिससे आपके बालों पे काम करेगा, आपके जड़ों से मजबूत बनाएगा और आपके बालों को बहुत ही तेजी से लंबा करेगा। इसका लगातार अगर आप इस्तेमाल करते हैं आप इसे मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं और रोजाना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों को बहुत ही तेजी से लंबा बनाएगा, आपके बालों में जो भी परेशानी होगी उसे दूर करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल नुस्खा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूं आपसे इसी प्रकार के कोई नए नुस्खा टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।